महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां मायके जाने से रोकने पर एक महिला ने अपने 2 साल के बेटे और 4 महीने की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद महिला ने शव को नष्ट करने के लिए अपनी माँ और भाई की मदद ली और चुपके से उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। माएँ जिनके ऊपर हम आँख मूंद कर भरोसा करते हैं, वो भी ऐसे कारनामे आजकल कर जाते हैं। पुलिस निरीक्षक विकास पाटिल ने बताया कि घटना नांदेड़ जिले के पांडुराना में हुई। पुलिस ने निर्दयी मां समेत उसके भाई व मां को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मां की पहचान धुरपाड़ा गणपत निमवार के रूप में हुई। ये दिल दहला देने वाली वारदात 31 मई की रात करीब 10 बजे हुई थी, जब परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। दिन में पति ने महिला को उसके मायके जाने के लिए मना किया था। परिवार के लोगों के सोने के बाद महिला अपने दोनों बच्चों को चुपके से लेकर निकल रही थी। इतने में ही बेटी रोने लगी। महिला को लगा कि उसका पति उठ जाएगा और उसकी पिटाई करेगा। इस डर से उसने पहले घर से निकलते हुए बेटी की गला घोटकर हत्या कर दी और फिर उसके शव को गांव के बाहर मौजूद एक ब्रिज के पास जमीन में दबा दिया। पुलिस अधिकारी अर्चना पाटिल ने बताया कि 1 जून की सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच महिला अपने बेटे दत्ता को लेकर मुदखेत के पास ब्राह्मणवाड़ा गांव पहुंची। महिला के घर से जाने की जानकारी पति को मिल चुकी थी और वो उसे लेने के लिए घर से निकला। रास्ते में उसने अपनी पत्नी और बेटे को ब्राह्मणवाड़ा शिवरा में गुरुद्वारे के पास गन्ने के खेत में देखा। पति को देख महिला वहां से भाग गई और गन्ने के खेत में छुप गई। पति उन्हें खोज ही रहा था कि खेत के बीच से बच्चे की चीखने की आवाज आई और कुछ देर बाद जब पति वहां पहुंचा तो बच्चा मरा हुआ था। बेटे का शव मिटाने के ही प्रयास में महिला फंस गई। रायगढ़ में भी एक महिला ने अपने 6 बच्चों को मार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।